आरसीआई एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें आप पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा दिए गए हैं। इनमें राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व। मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व की आवश्यकता व महत्व मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला हैं और इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। दूसरा है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। मूल अधिकार के आवश्यकता और महत्व के बारे में बात करें तो पहला है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देते हैं। दूसरा है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, यानी कि शासन की जो मनमर्जी है या मनमर्जा व्यवहार है उस पर रोक लगाने का काम करते हैं। प्राचीन विचारक कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र, जिसमें उल्लेख मिलता है कि राज्य सत्ताओं पर पहले प्रतिबंध लगाए जाते थे ताकि वो कोई अनुचित कार्य नहीं कर सके या कोई मनमर्जी नहीं चला सके। तो इसी प्रकार यहाँ मूल अधिकार भी शासन की स्वेच्छाचारिता पर, यानी कि मनमर्जी पर रोक लगाने का कार्य करते हैं। तीसरा है न्यायिक सुरक्षा। न्यायिक सुरक्षा, मूल अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्राप्त होती है और मूल अधिकारों का हनन होने पर हम न्यायालय जाकर इनको बहाल करा सकते हैं। ये लोकतंत्र के आधार स्तंभ भी हैं। मूल अधिकार लोकतंत्र के क्या हैं? आधार स्तंभ, लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। इस प्रकार मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व की बात करें तो मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देते हैं, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हैं, इनको न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है और लोकतंत्र के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये समानता के कारक हैं। मूल अधिकार भारत के संविधान में वर्तमान में 6 हैं। पहला है समानता का मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार, दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला है समानता का मूल अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का मूल अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। पहला समानता का मूल अधिकार,
दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। संवैधानिक जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार, उपचारों का मूल अधिकार। भारत के संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक में, भारत के संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक में, 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से और 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला मूल अधिकार है समानता का मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से और 18 तक, समानता के मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से और 18 तक में किया गया है। हम यहाँ एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, एक एक करके एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे। तो समानता के जो मूल अधिकार का वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 14 से और 18 तक में किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार, अनुच्छेद 14 के अनुसार यहाँ किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ये बात अनुच्छेद 14 बताता है। अनुच्छेद 14 किस बात की वकालत करता है कि किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी लोगों को कानून के सामने बराबर माना जाएगा, सभी के लिए एक जैसे न्यायालय, एक जैसा कानून और एक जैसी सजा, अर्थात यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कोई उद्योगपति का बेटा है, कोई बहुत बड़ा व्यवसायी है, कोई बहुत बड़ा नौकर सा है, कोई बहुत बड़ा राजनेता है, ऐसा समझ कर उसकी सजा को कम कर दिया जाए या उनके लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था कर दी जाए, ऐसा कार्य नहीं होता है। भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि सभी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे उद्योगपति हो, कोई राजनेता हो, कोई व्यवसायी हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कानून सबके लिए एक है और एक जैसे न्यायालय और एक जैसी सजा और एक जैसे कानून, अर्थात यहाँ सभी को कानून के समक्ष बराबर मानते हुए कानून का समान संरक्षण किया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट अनुच्छेद है 15, अनुच्छेद 15 के अनुसार, अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, आयु, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, क्लब, तालाब, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह जो भी हैं वहाँ पर, सार्वजनिक मंदिर, किसी प्रकार का अगर जाति, आयु, लिंग आदि को आधार बनाकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सभी को इन स्थानों का प्रयोग करने का हक है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, यहाँ जाति, जन्म स्थान, लिंग, आयु आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछड़े हुए अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों को अगर कोई व्यवस्था या कोई सुरक्षा दी जाती है तो वो समानता का उल्लंघन नहीं है बल्कि उसको और बढ़ाया गया है, अर्थात समानता को स्थापित करने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ हैं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जो भी हैं उनको ऊपर उठाने के लिए ऐसा किया गया है। ऐसा मत समझना कि यहाँ समानता का उल्लंघन है कि उन लोगों को सुरक्षा दी गई है, हमको सुरक्षा नहीं दी गई, ये कोई भेदभाव नहीं है बल्कि ये तो समानता स्थापित करने के लिए समानता को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी को अवसर की समानता दी गई है, यानी कि राज्य के अधीन जो भी नौकरियाँ हैं उनमें समान अवसर दिया गया है। लेकिन यहाँ भी बात वही आती है कि एससी एसटी यानी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देकर उनको आगे लाया गया, उनको भेदभाव किया गया, लेकिन वो भेदभाव नहीं माना जाएगा क्योंकि जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, उनको ऊपर उठाने के लिए, विकास की धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसलिए यहाँ पर उनको आरक्षण देना भेदभाव नहीं है बल्कि समानता को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता दी गई है और वो उनका प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, आयु, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, और अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता दी गई है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट अनुच्छेद है 17, अनुच्छेद 17, इसमें छुआछूत को मिटाया गया है। छुआछूत असमानता का एक भद्दा रूप है, प्राचीन समाजों से अपन देखते आ रहे हैं
कि छुआछूत जैसी कुप्रथा चली आ रही है और इसी प्रथा के कारण दलित समुदायों के साथ अमानवीय व्यवहार, उनके साथ अत्याचार, उत्पीड़नकारी घटनाएं घटित होती आ रही हैं। तो इन सबको मिटाने के लिए भारत का संविधान कटिबद्ध है और यह चाहता है कि इनको, इन प्रथाओं को मिटाया जाए। तो छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया और एक निवारक अधिनियम के तहत इसको एक कानूनी दर्जा दिया गया कि अब कोई व्यक्ति अगर अमानवीय व्यवहार या अत्याचार या गलत व्यवहार करता है किसी व्यक्ति के साथ तो उसको सज़ा मिलेगी। तो इस प्रकार इसको कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। पहले ब्रिटिश काल की बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए कुछ उपाधियाँ दी जाती थी, उन उपाधियों का अब भारत के संविधान के द्वारा अंत कर दिया गया है। अर्थात वो जो उपाधियाँ दी जाती थी वो समाज में भेदभाव पैदा करती थी, घृणित व्यवहार को जन्म देती थी, इसलिए उन उपाधियों को अब नष्ट कर दिया गया है। सिर्फ शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ही उपाधि दी जा सकती है, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ उपाधि जाएगी, बाकी किसी भी अन्य क्षेत्र में कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि उपाधि प्रदान करने से समाज में क्या होता है, भेदभाव, एक तरह से नफरत या घृणा का भाव पैदा होता है। तो इसको मिटाने के लिए उपाधियों का क्या कर दिया संविधान के द्वारा, अंत कर दिया गया है। सिर्फ सेना और शिक्षा से संबंधित क्या दी जाएंगी, उपाधियां दी जाएंगी। इसी प्रकार भारत का जो संविधान है वो इस बात की भी गारंटी देता है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई नागरिक विदेशी राज्य की कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। फिर से सुनिए एक बार, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी नागरिक विदेशी राज्य की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ये बात भी भारत के संविधान में अनुच्छेद 18 के तहत बताई गई है। एक बार फिर से देख लें समानता के मूल अधिकार को। समानता के मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से और 18 तक में किया गया है। अनुच्छेद 14 से और 18 तक में किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, आयु, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। इस प्रकार ये समानता का मूल अधिकार पूरा होता है। नेक्स्ट मूल अधिकार है स्वतंत्रता का मूल अधिकार, जो 19 से 22 तक में है। अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 इम्पोर्टेंट है, जो विस्तृत रूप है, उसका व्यापक रूप है, जिसमें 450 शब्द हैं। और अनुच्छेद 19 फर्स्ट में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 19 फर्स्ट में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। पहली स्वतंत्रता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट की दूसरी स्वतंत्रता है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार तीसरी स्वतंत्रता है संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। और पांचवी है निवास की स्वतंत्रता।
और छठी स्वतंत्रता है कोई भी वृत्ति व व्यापार व्यापार करने की स्वतंत्रता व्यापार करने की स्वतंत्रता। देखिए फिर से देखिए एक बार, अनुच्छेद 19 फर्स्ट में छह प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। पहली है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। दूसरी है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी है संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। और चौथी है सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। और पाँचवीं है निवास की स्वतंत्रता। और छठी है वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, अर्थात कोई व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है, दूसरे के विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन देश की प्रभुता और अखंडता, मानहानि, न्यायपालिका की अवमानना या किसी को अपराध के लिए उत्तेजित करना, इस प्रकार के अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके कार्यों को रोका जा सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो स्वतंत्रता है वो अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की, यानी कि कोई व्यक्ति बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकता है, ये उसको पूरी छूट दी गई है। इसी प्रकार तीसरी स्वतंत्रता है संघ या समुदाय, यानी कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का संगठन या समुदाय बना सकता है, ये भी उसको छूट दी गई है। सर्वत्र आने जाने, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आने जाने या भ्रमण करने की आज़ादी प्रत्येक नागरिक को दी गई है, ये भी अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत बताई गई है। इसी प्रकार निवास की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में रहने की पूर्ण आज़ादी दी गई है, ये संविधान के अंतर्गत 19 फर्स्ट में स्वतंत्रता बताई गई है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, यानी कि छोटा मोटा अपना उद्योग धंधा, कोई व्यवसाय या कोई कार्य व्यापार, ये भी किया जा सकता है, और ये स्वतंत्रता भी भारत के सभी नागरिकों को दी गई है। लेकिन एक विशेष बात है कि अगर कोई व्यक्ति नशीली वस्तुओं का व्यापार करता है या फिर मादक द्रव्य ऐसे हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, अगर उनका प्रयोग करता है तो ऐसे व्यक्ति के व्यापार को या उद्योग धंधे को रोका जा सकता है जो कि मानव के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता हो। वैसे कोई भी व्यक्ति अपना पेट पालने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए छोटा मोटा कोई व्यवसाय वृत्ति व्यापार कर सकता है, ये उसको छूट है। लेकिन ऐसे वृत्ति या व्यापार पर रोक लगाई गई है जो कि गलत हो, अनुचित हो, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता हो या लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ता हो, ऐसे व्यक्ति या व्यापार को रोका जाना जरूरी है, और ये भारत के संविधान के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट बात करिए अपन इसकी स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 और 21 की, तो अनुच्छेद 20 और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 20 व 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं, लेकिन एक विशेष बात याद रखनी है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो इम्पोर्टेंट है। साथ में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको और मजबूती दी गई है और इसको मजबूत बनाया गया है, यानी कि अब आपातकाल की स्थिति में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को डिलीट नहीं किया जाएगा, निरस्त नहीं किया जाएगा, अर्थात ये लागू रहेंगे और ये इसके इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए इसको आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, आपातकाल में भी इसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखने की बात है। इसी प्रकार अनुच्छेद 20-21 के बाद बात करें तो अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा संबंधित शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का में शामिल कर लिया गया है। और निवारक नज़रबंदी की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में भी है, और अनुच्छेद 22 में एक बंदी व्यक्ति के अधिकार भी हैं। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत एक बंदी व्यक्ति के अधिकार हैं, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वह व्यक्ति अपने स्वेच्छा से किसी भी वकील से परामर्श कर सकता है, और वह बंदी बनाए जाने का कारण जान सकता है, और 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। ये तीन बातें एक बंदी व्यक्ति के लिए हैं, ये बात अनुच्छेद 22 में बताई गई। फिर से देखें एक बार, अनुच्छेद 22 में ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसके तीन अधिकार हैं। पहला अधिकार है कि वह बंदी बनाए जाने का कारण जान सकता है। दूसरा अधिकार है कि वह बंदी बनाए जाने का कारण जान सकता है, और दूसरा है कि वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी भी अपने वकील से परामर्श कर सकता है, और तीसरा है कि 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है निवारक नज़रबंदी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। निवारक नज़रबंदी क्या होती है? देखिए एक बात फिर से बता दूँ, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उस पर मुकदमा किन किन लोगों पर नहीं चला, यानी कि जो शत्रु देश के निवासी हैं, हमारा कोई शत्रु देश है और उसके जो निवासी हैं उनको अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है बंदी वाले,
इसी प्रकार निवारक नजरबंदी के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या बंदी बनाया गया है उस पर भी ये जो अधिकार ये लागू नहीं है बंदी के। अब बात करते हैं अपन निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी क्या है? निवारक नज़रबंदी, देखिए पुलिस सामान्य तौर पर किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है, यानी कि जो व्यक्ति अपराध करता है पुलिस उसी को गिरफ्तार करती है, उसी पर मुकदमा चलाती है। लेकिन कई बार बिना अपराध किए भी शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसे ही कहते हैं निवारक नज़रबंदी। ये ध्यान रखने की बात है कि निवारक नज़रबंदी के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और उसकी अधिकतम अवधि 3 माह की होती है। अगर 3 माह के बाद उसको गिरफ्तार रखना है तो उसको 3 माह के बाद अगर उसको गिरफ्तार रखना है तो परामर्शदात्री समिति से परामर्श करके उसको गिरफ्तार किया जा सकता है या उसको बंदी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार निवारक नज़रबंदी अपराध को रोकने की एक प्रोसेस है, अर्थात अपराधी को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि अपराध को रोकने की एक प्रक्रिया मानी गई है। धन्यवाद।